प्रधानमंत्री मोदी आज उत्तराखंड और राजस्थान के दौरे पर जा रहे हैं। पीएम इन दो राज्यों में चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री आज उत्तराखंड के रुद्रपुर और राजस्थान के कोटपुतली में जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उत्तराखंड में उधम सिंह नगर जिले के रुद्रपुर में जनसभा को संबोधित करने के साथ राज्य में पार्टी के चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी आज दोपहर 12 बजे उत्तराखंड के रुद्रपुर में जनसभा को संबोधित करेंगे। वहीं दोपहर 3:30 बजे राजस्थान के कोटपुतली में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी प्रथम चरण के चुनाव के तहत राजस्थान में अपने प्रचार अभियान का आगाज कोटपुतली से करेंगे। पीएम मोदी यहां पर जयपुर ग्रामीण से बीजेपी प्रत्याशी राव राजेंद्र सिंह के समर्थन में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। साथ ही पीएम मोदी जयपुर शहर, अलवर, दौसा, सीकर, झुंझुनू और निकटवर्ती राज्य हरियाणा की सीमावर्ती महेंद्रगढ़, भिवानी और गुरुग्राम लोकसभा के समीकरणों को भी साधेंगे। इसी के साथ आज से उत्तराखंड में शुरू होने वाले प्रचार अभियान का मकसद पार्टी को एक बार फिर राज्य की सभी लोकसभा सीटों पर जीत दिलाना है। बीजेपी ने उत्तराखंड के रुद्रपुर में आज होने वाली पीएम मोदी की जनसभा को लेकर बड़े स्तर पर तैयारी की है। 3 अप्रैल को पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा की भी पिथौरागढ़ और विकास नगर में जनसभा होनी है, उसके लिए भी काफी तैयारी की गई है। उत्तराखंड में लोकसभा की 5 सीटों पर आम चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को मतदान होना है। राज्य की सभी 5 सीटों पर 2014 से बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी ने इस जीत को उत्तराखंड में जारी रखने के लिए बड़ी रणनीति बनाई है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह लोकसभा चुनाव के लिए धुआंधार प्रचार की शुरुआत भी कर चुके हैं। राजस्थान के बाद आज अमित शाह कर्नाटक में प्रचार करने जाएंगे। 400 पार के नारे के साथ बीजेपी ने चुनावी अभियान तेज कर दिया है। पार्टी के सभी स्टार प्रचारक चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मिशन 400 पार के लिए मोर्चा संभाल लिया है। गृह मंत्री अमित शाह आज मिशन दक्षिण पर रहेंगे। अमित शाह कर्नाटक में 4 लोकसभा क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करेंगे, जिसके लिए गृह मंत्री सुबह 9 बजे बेंगलुरु पहुंचेंगे। उसके बाद बीजेपी और जेडीएस नेताओं के साथ नाश्ते पर बैठक करेंगे। सबसे पहले अमित शाह बेंगलुरु पैलेस ग्राउंड में एक जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें बेंगलुरु उत्तर, बेंगलुरु सेंट्रल, बेंगलुरु दक्षिण, बेंगलुरु ग्रामीण और चिक्कबल्लापुर संसदीय क्षेत्रों के मतदाताओं तक पहुंचने का लक्ष्य रखा जाएगा। इसके बाद गृह मंत्री अमित शाह बेंगलुरु ग्रामीण निर्वाचन क्षेत्र के चन्नापटना टाउन में एक रोड शो में भी भाग लेंगे। इससे पहले राजस्थान के जोधपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अब लोकतंत्र के बारे में बात करने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि उनकी दादी और पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया था। और अरुणाचल प्रदेश को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को 2 टूक जवाब दिया। उन्होंने कहा कि अगर मैं अपने घर का नाम बदल दूं तो क्या आपके घर का नाम बदल दूं तो क्या वो मेरा नहीं हो जाएगा। विदेश मंत्री ने कहा कि अरुणाचल भारत का था और रहेगा। हाल ही में चीन ने अरुणाचल प्रदेश पर अपना दावा जताने के लिए राज्य के 30 इलाकों के बदले हुए नाम की एक लिस्ट जारी की थी। भारत के विदेश मंत्रालय ने बयान जारी करके चीन की लिस्ट को खारिज कर दिया था। वहीं सूरत में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने चीन को करारा जवाब दिया। अगर कोई मैं आपके घर का नाम बदल दूं तो मेरा घर बन जाएगा क्या? हमारी सेना जो है वहाँ डिप्लॉय हो चुकी है, वहाँ उनको जो भी करना है वो जानते हैं क्या करना है। विदेश मंत्री ने कहा कि अरुणाचल प्रदेश भारत का हिस्सा था, है और हमेशा रहेगा। और आम आदमी पार्टी की नेता और दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी आज बड़ा खुलासा करेंगी। ईडी ने दावा किया है कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली एक्साइज पॉलिसी से जुड़े मामले में आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम भी लिया। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने ऐलान किया है कि वो आज एक बड़ा खुलासा करने वाली है। आतिशी ने सोशल मीडिया पर पोस्ट करके घोषणा की है कि वो आज सुबह 10 बजे एक धमाकेदार खुलासा करेंगी। सोमवार को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को 15 दिन की जुडिशियल कस्टडी के बाद तिहाड़ जेल भेज दिया गया। केजरीवाल अब 15 अप्रैल तक तिहाड़ जेल में रहेंगे। ईडी केजरीवाल को लेकर सोमवार को दिल्ली के राउज अवेन्यू कोर्ट पहुंची थी। अदालत में सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि पहली बार इस केस में सीएम केजरीवाल ने अपने 2 मंत्रियों का नाम लिया है। ईडी ने बकायदा अदालत को बताया कि केजरीवाल ने पूछताछ के दौरान अपने 2 मंत्रियों सौरभ भारद्वाज
और आतिशी का नाम लिया था। ईडी का दावा है कि केजरीवाल ने उन्हें पूछताछ में बताया है कि विजय नायर उन्हें नहीं बल्कि आतिशी और सौरभ भारद्वाज को रिपोर्ट करता था। इस सुनवाई के दौरान सीएम केजरीवाल, मंत्री आतिशी और मंत्री सौरभ भारद्वाज कोर्ट में ही मौजूद थे। ईडी ने सुनवाई के दौरान दिल्ली की राउस एवेन्यू कोर्ट के सामने कुछ दस्तावेज भी प्रस्तुत किए। यही नहीं, ईडी का कहना है कि उन्होंने केजरीवाल और विजय नायर की 10 से अधिक बैठकों के भी सबूत पेश किए। आपको याद दिला दें कि दिल्ली के शराब घोटाले मामले में सबसे पहली गिरफ्तारी विजय नायर की हुई थी। ईडी ने राउस एवेन्यू कोर्ट को बताया कि जब शराब घोटाला केस में केजरीवाल से पूछताछ की गई, तो उन्होंने शिक्षा मंत्री आतिशी और स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज का नाम लिया। और दिल्ली के शराब घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल भेज दिया है। अगले 14 दिन तक क्या रहेगी उनकी पूरी दिनचर्या, दिखाते हैं आपको ये रिपोर्ट। दिल्ली के सीएम केजरीवाल आज से अगले 14 दिनों तक तिहाड़ जेल में रहेंगे। हालांकि दावा किया है कि केजरीवाल जेल में रहते हुए दिल्ली की सरकार चलाएंगे। ऐसे में उन्हें जेल में क्या ट्रीटमेंट दिया जाएगा और उनका डाइट रूटीन क्या रहेगा, हम आपको बताते हैं। जेल स्केड्यूल के मुताबिक तिहाड़ में केजरीवाल के दिन की शुरुआत सुबह 6:30 बजे से होगी। केजरीवाल को नाश्ते में चाय और ब्रेड दिया जाएगा। उन्हें हर कैदी की तरह ही इस टाइम स्केड्यूल को फॉलो करना होगा। दोपहर का खाना सुबह 10:30 बजे से 11 बजे के बीच दिया जाएगा, जिसमें एक दाल, एक सब्जी और 5 रोटी या चावल होगा। इसके बाद शाम 5:30 बजे ऐसा ही खाना रात के लिए दिया जाएगा और 7 बजे सभी कैदियों को अपने बैरक में जाना होगा। अरविंद केजरीवाल को जेल में टीवी देखने की सुविधा मिलेगी, जिसमें 18 से 20 चैनल एक्सेस किए जा सकते हैं। केजरीवाल को 24 घंटे डॉक्टर्स की सुविधा मिलेगी। उन्हें एक हफ्ते में 2 बार परिवार के सदस्यों से मिलने की इजाजत रहेगी। बता दें कि सीएम केजरीवाल ने जिन 3 किताबों को पढ़ने की अनुमति मांगी है, उनमें भगवत गीता, रामायण और नीरजा चौधरी की हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड शामिल है। और जेल में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल अपने पत्नी और अपने बच्चों से मिल सकते हैं। इसके अलावा और किन से मुलाकात कर सकते हैं, देखिए इस रिपोर्ट में। कल केजरीवाल की पहली रात तिहाड़ जेल में कटी। केजरीवाल को तिहाड़ के जेल नंबर 2 के बैरक में अकेले रखा गया है, जो 14 फीट लंबी है और 8 फीट चौड़ी है। इसमें एक टीवी लगा है, सीमेंट का ऊंचा चबूतरा बना हुआ है। बैरक के बाहर 4 सुरक्षा कर्मी हर वक्त तैनात रहेंगे। इस बीच जेल के नियमों के मुताबिक कोई भी कैदी 10 लोगों के नाम जेल प्रशासन को दे सकता है, जिनसे वो मुलाकात करना चाहता है। केजरीवाल ने सिर्फ 6 लोगों के नाम तिहाड़ जेल प्रशासन को लिखवाए हैं। इनमें पत्नी सुनीता, बेटा पुलकित, बेटी हर्षिता, दोस्त संदीप पाठक, पीए विभव कुमार और एक और दोस्त का नाम शामिल है। ईडी के दावों के बाद दिल्ली शराब घोटाला मामले में आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम आने पर आम आदमी पार्टी अब ईडी के बहाने केंद्र सरकार पर हमलावर है। देखिए केंद्र सरकार पर क्या आरोप लगाए हैं आम आदमी पार्टी ने। ईडी के नए दावों से दिल्ली सरकार के मंत्री सौरभ भारद्वाज और आतिशी की टेंशन बढ़ सकती है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या केजरीवाल के बाद अब ईडी के अगले टारगेट पर आम आदमी पार्टी के ये दोनों मंत्री हैं। इसे लेकर आम आदमी पार्टी ने पार्टी नेताओं के खिलाफ सियासी मकसद से कार्रवाई का आरोप लगाया। ईडी ने फिर से उस बात को सही साबित किया जो आम आदमी पार्टी लगातार कहती आ रही, पूछताछ कभी मकसद था ही नहीं। पूछताछ करना होता तो आज ईडी कहती कि हमें और समय दीजिए, हमें अरविंद केजरीवाल जी को अपने पास रखना है, इनसे पूछताछ करनी है। लेकिन पूछताछ मकसद नहीं था, इसीलिए जेसी में जाने दिया। मकसद था लोकसभा चुनाव के ठीक पहले अरविंद केजरीवाल जी को गिरफ्तार करके इंडिया गठबंधन को तोड़ के लोकसभा चुनाव में ईडी सीबीआई के जरिए 400 पार जाने का अपना जो बेसिर पैर का सपना है उसे पूरा किया जाए। और बिहार में कई नेता पाला बदलने की तैयारी कर रहे हैं, इसमें बीजेपी के 2 मौजूदा सांसदों के भी कांग्रेस में शामिल होने पर चर्चा। लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार का सियासी पारा काफी चढ़ा हुआ है। बिहार में टिकट बंटवारे से नाराज कई नेता अपनी पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टियों का दामन थामने की तैयारी कर चुके हैं। पार्टी सूत्रों के मुताबिक बिहार से बीजेपी के 2 मौजूदा सांसदों के कांग्रेस में शामिल होने की अटकलें भी तेज हो गई हैं। सासाराम से बीजेपी सांसद छेदी पासवान के कांग्रेस में जाने की चर्चा है। इसके अलावा मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद अजय निषाद आज कांग्रेस में शामिल हो सकते हैं। वहीं एलजेपी रामविलास के पूर्व सांसद अरुण कुमार के भी
कांग्रेस में जाने की अटकलें हैं। सासाराम से बीजेपी सांसद छेदी पासवान और मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद अजय निषाद का टिकट पार्टी ने इस बार काट दिया है। टिकट कटने के बाद से ही दोनों नेता बीजेपी से नाराज चल रहे थे और महागठबंधन के लगातार संपर्क में थे। माना जा रहा है कि अजय निषाद आज दिल्ली में कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ग्रहण करेंगे। अजय निषाद का टिकट कटने के बाद से उनके समर्थक नाराज थे। चर्चा है कि अब अजय निषाद मुजफ्फरपुर से ही कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। अजय निषाद 2014 और 2019 में सांसद चुने गए थे। इस बार बीजेपी ने मुजफ्फरपुर से अजय निषाद का टिकट काटकर डॉक्टर राजभूषण निषाद को अपना उम्मीदवार बनाया है। वहीं सासाराम से बीजेपी ने मौजूदा सांसद छेदी पासवान का टिकट काटकर पूर्व विधायक शिवेश राम को टिकट दिया है। वहीं दोनों सीटें महागठबंधन में कांग्रेस के खाते में गई हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज सेना के कमांडर्स के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सम्मेलन में भारतीय सेना की प्रगति और भविष्य की तैयारियों को लेकर चर्चा होगी। भारत सरकार सेना को अत्याधुनिक और ताकतवर बनाने के लिए वो हर कदम उठा रही है जो इसके लिए जरूरी है। भारत पाकिस्तान से लेकर भारत चीन और अन्य देशों से लगी सीमाओं पर सेना की ताकत बढ़ाने के लिए सरकार ने सुरंगों, हवाई पट्टियों, पुलों, सड़कों का बड़ा जाल बिछा दिया है। साथ ही सेना को अत्याधुनिक हथियारों और उपकरणों से लैस किया जा रहा है। इसी सिलसिले में आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सेना कमांडरों के सम्मेलन को संबोधित करेंगे, जहां वरिष्ठ सैन्य अधिकारी सुरक्षा स्थिति का मूल्यांकन करेंगे। ये शीर्ष भारतीय सेना अधिकारियों के लिए रणनीतिक मुद्दों पर चर्चा करने, प्राथमिकताएं निर्धारित करने और नीतिगत निर्णय लेने के लिए एक महत्वपूर्ण मंच है। इस सम्मेलन के एजेंडे में राष्ट्रीय सुरक्षा पर, भू राजनीति के प्रभाव पर बातचीत और परिचालन प्रभावशीलता के साथ साथ सैनिकों के कल्याण के लिए चर्चा होगी। इससे पहले सेना के शीर्ष कमांडरों के सम्मेलन में पड़ोसी देशों से जुड़ी भू राजनीतिक और सुरक्षा चुनौतियों पर गहन मंथन किया गया। सम्मेलन में सेना प्रमुख, उप सेना प्रमुख और सभी सैन्य कमांडरों ने हिस्सा लिया। और लोकसभा चुनाव को लेकर सोमवार को पीएम मोदी के आवास पर हाई लेवल बैठक हुई। 4 घंटे तक ये बैठक चली, जिसमें मिशन 2024 पर मंथन। प्रधानमंत्री आवास पर नरेंद्र मोदी के साथ बीजेपी नेताओं की अहम बैठक हुई, जिसमें गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, अश्विनी वैष्णव और विनोद तावड़े भी शामिल हुए। बताया जाता है कि करीब 4 घंटे तक बैठक में 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर इस बैठक में मंथन हुआ। इससे पहले लोकसभा चुनाव को लेकर मोदी ने कल वाराणसी के बीजेपी कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। टिफिन बैठक कार्यक्रम को वर्चुअली संबोधित करते हुए पीएम ने कहा कि संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने के लिए लगातार 25 सालों तक मेहनत करना है। और समाजवादी पार्टी ने लोकसभा की 2 और सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान किया, जिसमें मुरादाबाद के बाद अब मेरठ से कैंडिडेट का नाम बदल दिया है। देखिए, लोकसभा चुनाव को लेकर आज समाजवादी पार्टी ने रात अचानक अपने प्रत्याशियों की एक नई लिस्ट जारी की। पार्टी ने 2 सीटों पर अपने प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया है, लेकिन उसमें से एक सीट ऐसी है जिससे पार्टी ने एक बार फिर अपना प्रत्याशी बदला है। पार्टी ने आगरा और मेरठ दोनों ही सीटों पर अपने उम्मीदवार घोषित किए हैं, लेकिन सपा ने मेरठ लोकसभा सीट से अपना उम्मीदवार बदल दिया है। अब अतुल प्रधान को टिकट दिया है। अतुल प्रधान फिलहाल मेरठ की सरथना सीट से विधायक हैं और उनकी पत्नी सीमा प्रधान निकाय चुनाव में मेयर का चुनाव लड़ चुकी हैं। टिकट के ऐलान के बाद अतुल प्रधान ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अखिलेश यादव को धन्यवाद दिया। बता दें कि प्रधान से पहले भानु प्रताप को मेरठ से उम्मीदवार बनाया था। भानु प्रताप सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं। भानु प्रताप सिंह ने अपनी पार्टी जनहित संघर्ष पार्टी बनाई थी और 2017 में बुलंदशहर से विधानसभा चुनाव लड़ा था। मेरठ में बीजेपी ने अपने प्रत्याशी के नाम का ऐलान सपा के बाद किया था। बीजेपी ने यहां मशहूर रामायण सीरियल में राम का किरदार निभाने वाले अभिनेता अरुण गोविल को अपना प्रत्याशी बनाया है। दरअसल मेरठ से पहले भी समाजवादी पार्टी ने प्रत्याशी बदले हैं। 16 मार्च को समाजवादी पार्टी की ओर से जारी उम्मीदवारों की सूची में गौतम बुद्ध नगर से डॉक्टर महेंद्र नागर को प्रत्याशी बनाया गया। इसके बाद यहां गुटबाजी तेज हो गई। नोएडा के कुछ स्थानीय नेताओं ने इसका विरोध करते हुए युवा नेता को प्रत्याशी बनाए जाने की मांग की। इतने नहीं, सपा नेताओं का एक दल लखनऊ में अखिलेश यादव से भी मिला। 20 मार्च को सपा ने दूसरी लिस्ट जारी कर महेंद्र नागर का टिकट काटकर गौतम बुद्ध नगर से राहुल अवाना को प्रत्याशी बना दिया। और बीजेपी ने यूपी के मेरठ से इस बार मौजूदा सांसद का टिकट काटकर रामायण सीरियल में राम की भूमिका निभाने वाले एक्टर अरुण गोविल को टिकट दिया है। अरुण गोविल आज मेरठ सीट से अपना नामांकन करेंगे।
लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी प्रत्याशी अरुण गोविल आज अपना नॉमिनेशन फाइल करेंगे। यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य अरुण गोविल को नामांकन दाखिल कराएंगे। नामांकन से पहले रोड शो निकाला जाएगा। इस बीच एक जनसभा भी होगी जिसे यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य संबोधित करेंगे। रोड शो शास्त्री नगर से शुरू होकर कलेक्ट्रेट तक जाएगा। कलेक्ट्रेट में ही नामांकन होगा। इससे पहले सोमवार को मेरठ में अरुण गोविल के लोकसभा चुनाव कार्यालय का शुभारंभ किया गया। अरुण गोविल ने पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों के अलावा बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर हवन पूजन किया। और कहां से किस टाइम चलेंगे आप? देखिए ये काम जो है ये आप ये मुझे नहीं पता पहली बात, और ये काम जो है संगठन का है कि वो इसको ऑर्गेनाइज करेंगे। कितने बजे होगी, कहां से होगा, वो सब उनका काम, वो मुझे बताएंगे। अरुण गोविल का मेरठ से पुराना नाता है। मेरठ में ही उनका जन्म हुआ और वहीं उनकी शुरुआती पढ़ाई हुई। वीवीपैट पर्चियों की गिनती को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने 4 हफ्ते में जवाब देने को कहा है। ये निर्देश एक याचिका पर दिया गया है। याचिका में मांग की गई है कि सभी वीवीपैट पर्चियों का मिलान करने का निर्देश चुनाव आयोग को दिया जाए। अभी तक चुनाव आयोग हर बूथ पर रैंडम तरीके से 5 ईवीएम को सिलेक्ट करके वीवीपैट की पर्चियों से मिलान करता है। चुनाव आयोग का कहना है कि सभी पर्चियों को सत्यापित करने में काफी देरी होती है। याचिका में चुनाव आयोग के निर्देश को चुनौती दी गई है। याचिकाकर्ता का कहना है कि वीवीपैट के माध्यम से मतदाता द्वारा डाले गए वोटों के रूप में दर्ज किए गए वोटों के साथ अनिवार्य रूप से क्रॉस सत्यापन होना जरूरी है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सीबीआई के स्थापना दिवस कार्यक्रम में समन को लेकर बड़ी बात कही। सीजेआई ने कहा कि समन ऑनलाइन तरीके से दिए जा सकते हैं, गवाही भी वर्चुअली रिकॉर्ड की जा सकती है। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ सोमवार को सीबीआई के स्थापना दिवस कार्यक्रम में शामिल हुए। इस मौके पर दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित 20वें डीपी कोहली मेमोरियल लेक्चर में चीफ जस्टिस ने कहा कि समन ऑनलाइन तरीके से दिए जाने चाहिए, गवाही भी वर्चुअली रिकॉर्ड की जा सकती है। इससे पेपर वर्क बचेगा और प्रक्रिया भी आसान होगी। यही नहीं, ऑनलाइन समन से जमानत मिलने में देरी से बचा जा सकेगा। साथ ही दूर दराज के स्थानों से भी प्रक्रिया को अंजाम दिया जा सकेगा। सीजेआई ने ये भी कहा कि भारतीय न्याय संहिता के मुताबिक अदालतों को डिजिटल सबूत मंगाने के लिए समन देने का अधिकार है। चीफ जस्टिस ने कहा कि टेक्नोलॉजी का फायदा उठाना चाहिए। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने ये भी कहा कि सीबीआई को उन्हीं मामलों पर फोकस करना चाहिए जिनसे राष्ट्र सुरक्षा और अर्थव्यवस्था को खतरा हो। साथ ही सीबीआई को मामलों की धीमी सुनवाई से निपटने के लिए एक रणनीति बनानी होगी। कार्यक्रम में चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने विशिष्ट सेवाओं के लिए प्रेसिडेंट पुलिस मेडल्स और मेरिटोरियस सर्विस के सीबीआई अफसरों को पुलिस मेडल भी दिया। और अब बात मौसम के अलर्ट की। अगले 3 महीने गर्मी जमकर सितम थाएगी। मौसम विभाग का कहना है कि 20 साल में पहली बार भीषण गर्मी का लोगों को सामना करना पड़ सकता है। पूरी खबर देखिए इस रिपोर्ट। अप्रैल की शुरुआत से ही देश के ज्यादातर इलाकों में गर्मी का सितम शुरू हो गया है। देश के कई हिस्सों में अप्रैल से लेकर जून के बीच भीषण गर्मी पड़ने की आशंका है। मौसम विभाग ने गर्मी को लेकर बड़ी चेतावनी दी है। मौसम विभाग ने कहा है कि इस बार लू के थपेड़े लोगों की मुश्किलें काफी बढ़ाएंगे। इस दौरान तकरीबन करीब 20 दिनों तक प्रचंड लू चलने की संभावना है। मौसम विभाग की तरफ से जारी की गई नई जानकारी के मुताबिक 5 राज्यों में अप्रैल के पहले हफ्ते में हीट वेव का अलर्ट है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना और ओडिशा में हीट वेव की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग ने भविष्यवाणी की है कि 7 मई से लेकर 1 जून के आसपास देश के अधिकांश हिस्सों में अधिकतम तापमान 45 डिग्री तक पहुंच सकता है। कई राज्यों में तापमान नई ऊंचाई छू सकता है। पश्चिमी हिमालय क्षेत्र, पूर्वोत्तर राज्यों और उत्तरी ओडिशा के कुछ हिस्सों में तापमान को लेकर बदलाव दिख सकता है। अप्रैल से जून की अवधि के दौरान गुजरात, मध्य महाराष्ट्र, उत्तरी कर्नाटक, राजस्थान, MP, ओडिशा, उत्तरी छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश में लू का सबसे बुरा असर देखने को मिल सकता है। मौसम पूर्वानुमान में 2 अप्रैल के बाद ओडिशा के कई जिलों में तापमान में वृद्धि का संकेत दिया गया है। पूर्वानुमान में उत्तरी छत्तीसगढ़ और इसके आसपास के क्षेत्रों पर चक्रवाती परिसंचरण के कम होने की उम्मीद है, जो पहले मौसम के मिजाज को प्रभावित करता था। अप्रैल और मई में होने वाले लोकसभा चुनावों पर भीषण गर्मी का काफी असर पड़ सकता है। बीजेपी नेता मेनका गांधी ने पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कटने पर पहली बार अपनी चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने क्या कहा है, देखिए पूरी खबर इस रिपोर्ट में।
बीजेपी ने इस बार पीलीभीत से वरुण गांधी की जगह जितेंद्र प्रसाद को टिकट दिया है। कुछ दिन पहले ऐसी खबरें भी सामने आई थी कि वरुण गांधी इस सीट से निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ सकते हैं, लेकिन अब पीलीभीत से वरुण गांधी का टिकट कटने पर बीजेपी सांसद मेनका गांधी ने इस पर टिप्पणी करने से इनकार किया। इस पर टिप्पणी करूंगी नहीं मैम, जैसे अमेठी रायबरेली में आप लोग यू नो इस पर हम लोग ये विषयों को छोड़, मैं बीजेपी में हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं बीजेपी में हूँ। मैम भाजपा की तरफ से रायबरेली से वरुण जी को भाजपा से लड़ाने की क्या कोई चर्चा है? मैं नहीं जानती। दरअसल बीजेपी ने इस बार पीलीभीत से वरुण गांधी की जगह जितेंद्र प्रसाद को टिकट दिया है, चोजन टू, जिसके बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अधीर रंजन चौधरी ने उन्हें ऑफर देते हुए कहा था कि वरुण गांधी को अब कांग्रेस में शामिल हो जाना चाहिए। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने निजी स्कूलों की मनमानी पर नकेल कसने के लिए बड़ा निर्देश जारी किया है। सीएम ने क्या कहा है, 30 सेकंड में देखिए पूरी खबर। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने निजी स्कूलों को ताकीद दी है कि वो बच्चों की फीस के साथ ही कोर्स की किताबें, यूनिफॉर्म और अन्य शिक्षण सामग्री किसी निर्धारित दुकान से खरीदने के लिए दबाव न डालें। ऐसा करने पर उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है। उन्होंने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि मध्य प्रदेश निजी विद्यालय फीस अधिनियम 2017 के तहत कार्रवाई करें। इस अधिनियम के तहत स्कूल संचालक पर 2 लाख तक का जुर्माना हो सकता है। मध्य प्रदेश के सभी कलेक्टरों को इस बाबत निर्देश जारी कर दिए गए हैं। अभिभावकों ने सीएम के इस फैसले का स्वागत किया है। और मध्य प्रदेश के राजगढ़ संसदीय क्षेत्र में दिग्विजय सिंह इन दिनों पदयात्रा पर हैं। अपने चुनावी जनसंपर्क के दौरान दिग्विजय ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। राम मंदिर निर्माण। लोकसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा गर्म हो चुका है। राजनीतिक पार्टियों के बड़े नेता चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। राजगढ़ लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर निर्माण में भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए केंद्र सरकार और बीजेपी पर जमकर हमला बोला है। दिग्विजय सिंह ने राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि बीजेपी के लोगों ने जो जमीन 1.5 करोड़ में खरीदी, वही जमीन शाम को चंपत राय ने ट्रस्ट से 18 करोड़ में खरीदवा दी। चंपत राय उसके मुख्य कार्यपालन अधिकारी बना दिए गए और चंपत राय ने क्या किया, जो हमने चंदा दिया उस चंदे से जमीन का घोटाला कर दिया। सुबह 1.5 करोड़ में एक जमीन भाजपा के नेताओं ने खरीदी और शाम को वही जमीन 18 करोड़ में चंपत राय जी ने ट्रस्ट में खरीदवा दी। कभी सुना आपने? AIUDF प्रमुख बदरुद्दीन अजमल ने कांग्रेस पर मुसलमानों को ठगने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने 70 सालों तक मुसलमानों को धोखा दिया। हमने 11 AIUDF अध्यक्ष बदरुद्दीन अजमल ने असम की 3 लोकसभा सीटों पर जीत का दावा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने मुसलमानों को कुछ नहीं दिया, जिसके बाद लोग बीजेपी की ओर आकर्षित हो रहे हैं। अजमल ने कहा कि कांग्रेस के लिए 11 सीटें छोड़ी थी, लेकिन उन्होंने उन सभी सीटों पर बीजेपी को वॉकओवर दे दिया। हमने 11 सीट कांग्रेस के लिए छोड़ दिया, लेकिन उनको शर्म नहीं आती, उस 11 सीट में उन्होंने वॉकओवर बीजेपी को दे दिया। और अजमल को बोलते हैं कि बी टीम हम है, वो BBA, ABA, CBA, DBA, A to Z बीजेपी है, कांग्रेस वाले। और हिमाचल के मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत जोर शोर से चुनाव प्रचार में लगी हैं। चुनाव प्रचार के दौरान कंगना ने भूतनाथ मंदिर में पूजा अर्चना भी की। भजन पर झूमती कंगना रनौत की तस्वीरें मंडी में चुनाव प्रचार के दौरान की हैं। कंगना ने बाबा भूतनाथ मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना की, फिर प्रसाद ग्रहण किया। उसके बाद मंदिर परिसर में मौजूद लोगों के साथ भक्ति में रमी नजर आई। कंगना ने मंडी के इंदिरा मार्केट में नमो टी स्टॉल पर बीजेपी नेताओं के साथ चाय की चुस्कियां ली और लोगों के साथ चाय पर चर्चा भी की। चुनाव प्रचार के दौरान कंगना ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के उस बयान पर पलटवार किया, जिसमें राहुल ने कहा था कि आज लोकतंत्र की हत्या हो रही है। तो अगर लोकतंत्र की हत्या हो रही है तो हम किस चीज की तैयारियां कर रहे हैं? फिर लोगों का मन भाना, लोगों से प्रेम का और सहयोग की प्रार्थना करना और उनका आपको सहयोग देना, उनका आप पे विश्वास होना, प्रेम होना, एक तरह से एक उनका आपके साथ अलाइनमेंट होना,
क्या वो लोकतंत्र की हत्या है? वो लोकतंत्र की हत्या नहीं है, वही लोकतंत्र है। उनको शायद पता नहीं है लोकतंत्र की डेफिनेशन क्या है। पीएम मोदी आज उत्तराखंड और राजस्थान में चुनाव प्रचार अभियान का करेंगे आगाज। रुद्रपुर और कोटपुतली में करेंगे चुनावी जनसभा। पीएम मोदी दोपहर 12 बजे उत्तराखंड के रुद्रपुर और शाम 3 बजे कोटपुतली में रैली को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी आज बिहार के बीजेपी कार्यकर्ताओं से करेंगे संवाद। शाम 6 बजे नमो ऐप के जरिए होगी बात। पीएम के संवाद कार्यक्रम में बिहार के बीजेपी सांसद विधायक समेत लोकसभा प्रभारी और जिला अध्यक्ष होंगे शामिल। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर गृहमंत्री अमित शाह जेपी नड्डा के साथ की बैठक। शराब घोटाले में केजरीवाल से पूछताछ पर ईडी का बड़ा दावा। कहा केजरीवाल ने पूछताछ में आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम दिया। ईडी ने आतिशी और सौरभ भारद्वाज के आरोपी विजय नायर के संपर्क में होने का किया दावा। शराब घोटाले में ईडी के दावे के बाद आतिशी आज सुबह 10 बजे करेंगी प्रेस कॉन्फ्रेंस। सनसनीखेज खुलासे का दावा। दिल्ली के सीएम केजरीवाल का तिहाड़ जेल के नंबर 2 में किए गए शिफ्ट। 15 अप्रैल तक तिहाड़ में ही रहेंगे केजरीवाल। तिहाड़ जेल में केजरीवाल की 24 घंटे सीसीटीवी के जरिए होगी निगरानी। आम आदमी पार्टी ने कहा बीजेपी ने केजरीवाल को चुनाव प्रचार से रोकने के लिए साजिश रची। कोर्ट ने न्यायिक हिरासत में केजरीवाल को पुस्तक, डायबिटीज की दवाइयां और घर का बना खाना देने की मंजूरी दी। झारखंड बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी का बड़ा बयान। बोले कानून न मानने वाले गए जेल। केजरीवाल सिसोदिया हेमंत सोरेन गए सही जगह। बिहार के मुजफ्फरपुर से बीजेपी सांसद अजय निषाद आज कांग्रेस में हो सकते हैं शामिल। मुजफ्फरपुर से कांग्रेस अजय निषाद को बना सकती है उम्मीदवार। सासाराम से बीजेपी सांसद छेदी पासवान भी आज थाम सकते हैं कांग्रेस का दामन। टिकट कटने से नाराज छेदी पासवान। मेरठ से बीजेपी उम्मीदवार अरुण गोविल आज दाखिल करेंगे नामांकन। डिप्टी सीएम केशव मौर्य भी रहेंगे मौजूद। वरुण गांधी का टिकट कटने पर मेनका गांधी ने तोड़ी चुप्पी। कहा चुनाव बाद देखते हैं, अभी लंबा समय बाकी। समाजवादी पार्टी ने मेरठ और आगरा से बदला उम्मीदवार। मेरठ से अतुल प्रधान और आगरा से सुरेश चंद कदम को दिया टिकट। एमपी के खजुराहो में समाजवादी पार्टी ने बदला उम्मीदवार। मनोज यादव की जगह मीरा यादव को बना दिया टिकट। नामांकन से पहले बीएसपी ने अलीगढ़ से अपना उम्मीदवार बदला। बीजेपी के बागी हितेंद्र उपाध्याय को दिया टिकट। बीएसपी ने अलीगढ़ से अली गुफरान की जगह हितेंद्र उपाध्याय को बना उम्मीदवार। अलीगढ़ से बीजेपी सांसद सतीश गौतम आज दाखिल करेंगे नामांकन। अलीगढ़ में 26 अप्रैल को होगा मतदान। तेलंगाना के वारंगल से काद्याम काव्या होंगी कांग्रेस उम्मीदवार। कांग्रेस ने महाराष्ट्र के अकोला से अभय पाटिल को बना उम्मीदवार। प्रकाश अंबेडकर ने अकोला से लड़ने का किया था। पूर्व सांसद विनोद खन्ना की पत्नी ने गुरदासपुर सीट पर ठोका दावा। कहा यहां 80% लोग मुझे सांसद बनना देखना चाहते। कविता ने टिकट की दावेदारी करते हुए कहा कि विनोद खन्ना ने हमेशा गुरदासपुर के बारे में सोचा। बीजेपी ने गुरदासपुर से सांसद सनी देओल का टिकट काटकर दिनेश सिंह बब्बू को बनाया है उम्मीदवार। एनडीए से गाजीपुर सीट की मांग पर ओम प्रकाश राजभर का बयान। का गाजीपुर सीट के लिए हम कर रहे हैं जुगाड़। हिमाचल के मंडी से बीजेपी उम्मीदवार कंगना रनौत ने भूतनाथ मंदिर में की पूजा अर्चना। का राहुल गांधी को लोकतंत्र की परिभाषा ही नहीं पता। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का बयान। का घोषणा पत्र के लिए 3 लाख से ज्यादा मिले सुझाव। सुझाव को घोषणा पत्र में किया जाएगा शामिल। हम प्रमुख जीतनराम मांझी का बड़ा बयान। कहा जहां जा रहे हैं सब मोदीमय है। इस बार कोई चुनौती नहीं, एनडीए होगा 400 पार। पीएम की रैली को लेकर चिराग पासवान का बयान। कहा जमुई से चुनाव अभियान की शुरुआत करेंगे पीएम। बिहार की सभी सीटें जीतेगा एनडीए। कांग्रेस के आरोप पर बीजेपी का पलटवार। कहा ईडी सीबीआई के दबाव में नहीं, पीएम की नीति पर भरोसे की वजह से शामिल हो रहे हैं विपक्षी नेता। यूपी में समाजवादी पार्टी और महान दल के गठबंधन का ऐलान जल्द। महान दल ने यूपी में एसपी से मांगी 2 सीटें। लोकसभा चुनाव के लिए 5 अप्रैल को घोषणा पत्र जारी करेगी कांग्रेस। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे जारी करेंगे पार्टी का घोषणा पत्र। 6 अप्रैल को जयपुर और हैदराबाद में कांग्रेस की बड़ी रैली। जयपुर में सोनिया, प्रियंका गांधी और खड़गे रैली को संबोधित करेंगे। 6 अप्रैल को हैदराबाद में विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे राहुल गांधी। रैली के दौरान कांग्रेस का मैनिफेस्टो भी करेंगे जारी। पीएम के भ्रष्टाचार हटाने वाले बयान पर राहुल का पलटवार। कहा पीएम खुद भ्रष्टाचार की फ्रेंचाइजी बांट रहे हैं। चंदे का धंधा, भ्रष्टाचारियों का अड्डा। राहुल गांधी ने कहा कि मोदी सरकार भ्रष्टाचारियों को सुरक्षा की गारंटी। बीजेपी ने ईडी सीबीआई को बनाया वसूली एजेंट। कांग्रेस के खाते फ्रीज होने पर बोले महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले। कहा आजादी की दूसरी लड़ाई भी हम लोगों के चंदे से लड़ेंगे और जीतेंगे। महाराष्ट्र में बची हुई सीटों के बंटवारे पर बोले देवेंद्र फडणवीस। कहा सीटों का बंटवारा हुआ पूरा, जल्द होगा ऐलान। ओडिशा के पुरी से बीजेपी उम्मीदवार संबित पात्रा ने जारी किया रिपोर्ट कार्ड। का 5 साल का लेखा जोखा हर घर तक पहुंचाया जाएगा।
AIDUF चीफ बदरुद्दीन अजमल का कांग्रेस पर निशाना, बोले कांग्रेस ने 70 साल तक मुसलमानों पर किया अत्याचार। एनडीए के साथ जाने पर बोले जयंत चौधरी का, डर और मजबूरी की वजह से नहीं, अच्छे काम के लिए आए साथ। जयंत चौधरी ने कहा कि एनडीए से सिर्फ हमारा गठबंधन हुआ, हमने विचारधारा नहीं बदली, किसानों के मुद्दों का होगा समाधान। सीएम योगी का विपक्ष पर निशाना, कहा बीजेपी के लिए राष्ट्र और विपक्ष के लिए परिवार प्रथम। योगी ने कहा कि विपक्षी दलों ने जातिवाद के नाम पर सामाजिक ताने बाने को बिगाड़ा है, बीजेपी में सबका साथ सबका विकास की सोच। अमित शाह ने असम के हालात के बारे में ली जानकारी, सीएम हेमंता शर्मा को हर संभव मदद का दिया आश्वासन। सपा के पूर्व सांसद ने धर्मेंद्र यादव ने गाजीपुर पहुंचकर मुख्तार अंसारी के परिवार से मुलाकात की, कहा मौत मामले में कोर्ट संज्ञान ले। एमपी में निजी स्कूलों की मनमानी पर सीएम सख्त, कहा तय दुकानों से किताबें ड्रेस खरीदने का दबाव नहीं बना सकते स्कूल। सीएम मोहन यादव ने कहा कि अगर स्कूलों ने तय दुकान से किताब ड्रेस खरीदने का दबाव बनाया तो स्कूल पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। अरुणाचल प्रदेश पर चीन के दावे पर विदेश मंत्री एस जयशंकर की खरी खरी, कहा अगर आपके घर का नाम बदल दूं तो क्या वो मेरा हो जाएगा। जयशंकर बोले अरुणाचल भारत का था, है और रहेगा, नाम बदल देने से कुछ नहीं होता। वीवीपैट पर्चियों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से मांगा जवाब, याचिकाकर्ता ने वीवीपैट पर्चियों की पूरी गिनती की मांग की। जीएसटी कलेक्शन से भरी सरकार की तिजोरी, मार्च में आया 1,78,000 करोड़ रुपए, पूरे साल में 20 लाख करोड़ की कमी। 2000 रुपए के नोट को लेकर आरबीआई का बयान, का प्रचलन में रहे 97.69% नोट 2023 तक वापस आए, 2.31% नोट मार्केट में मौजूद। भारत का रक्षा निर्यात पहली बार 21,000 करोड़ के पार, राजनाथ सिंह ने पीएम मोदी को दिया श्रेय। सीरिया के दमिश्क में ईरानी वाणिज्य दूतावास पर इसराइल का हमला, हवाई हमले में ईरानी दूतावास पूरी तरह से बर्बाद। इसराइल के एयर स्ट्राइक में ईरान के टॉप कमांडर मोहम्मद रजा जाहिदी की मौत, हमले में जाहिदी समेत ईरान के 2 बड़े कमांडर ढेर। अपने सेना प्रमुख की मौत पर भड़का ईरान, इसराइल से बदला लेने की दी धमकी, सीरिया में ईरान के राजदूत बोले बुरा अंजाम होगा। सीरिया में हमले के बाद सड़कों पर उतरे कट्टरपंथी प्रदर्शनकारी, तेहरान में पूर्व इजरायली दूतावास के पास बदला लेने की बात। दमिश्क में ईरानी दूतावास पर हमले के पाकिस्तान ने की निंदा। अमेरिका के अटलांटा में एफबीआई ऑफिस के गेट से टकराई अज्ञात कार, जांच में जुटी एफबीआई की टीम। ताइवान में तनाव के बीच चीन का बड़ा बयान, कहा हम हर रोज 1,000 क्रूज मिसाइलें बनाने में सक्षम। यूक्रेन के अवदीविका में रूस का बड़ा हमला, हमले में 510 यूक्रेनी सैनिकों की मौत। मॉस्को आतंकी हमले में रूस का सनसनीखेज खुलासा, कहा हमले में अमेरिका के शामिल होने की जांच जारी। हरिद्वार में एक निजी अस्पताल में दबंगों ने स्वास्थ्य कर्मियों को लाठी डंडों से पीटा। यूपी के मैनपुरी में दर्दनाक हादसा, बिजली का झटका लगने से एक व्यक्ति की मौत। मुंबई में 4 पिस्तौल और 50 जिंदा कारतूस के साथ 4 गिरफ्तार, सभी गिरफ्तार आरोपी व्यापारी। महाराष्ट्र में एक्साइज डिपार्टमेंट को बड़ी कामयाबी, दूसरे राज्यों से लाई जा रही करीब 40 लाख की शराब जब्त। बांदा के जेल अधीक्षक को फोन पर जान से मारने की धमकी, अधीक्षक की तहरीर पर केस दर्ज, बांदा जेल में ही कैद था मुख्तार अंसारी। रायगढ़ की एक कंपनी में लगी भीषण आग, आग लगने की वजह का नहीं चला पता, आग से किसी तरह की जनहानि नहीं। गाजियाबाद में लोनी के झुग्गियों में लगी आग से अफरा तफरी, भीषण आग में जली कई झुग्गियां। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आग की लपटों से आसपास फैली दहशत। असम की ब्रह्मपुत्र नदी में नाव पलटने से 4 साल के बच्चे की मौत, 2 लापता। दक्षिण बंगाल में 3 से 5 अप्रैल तक हीटवेव की चेतावनी, पुरुलिया बांकुरा पश्चिम बर्धमान में हीटवेव का अलर्ट। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू का बयान, बोले देश का बड़ा क्षेत्र लू से होने वाला है प्रभावित, लू को लेकर बरते सावधानी। नागपुर में बिजली की कीमतों में बढ़ोतरी पर बोले देवेंद्र फडणवीस, छोटे उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा इसका बोझ। डोनेस्क में रूसी सेना का बड़ा हमला, यूक्रेन के दर्जनों टैंक किए तबाह, रूस ने एंटी टैंक मिसाइल से टैंक किए ध्वस्त। दक्षिण कोरिया के तीनों सेनाओं का युद्धाभ्यास, टैंक आर्टिलरी और लड़ाकू विमानों से की वॉर ड्रिल, यूएस के फाइटर जेट्स ने भी हिस्सा लिया। गाजा के अलशफा अस्पताल पर आईडीएफ का भीषण हमला, अटैक में कई फिलिस्तीनी नागरिकों की मौत। रूस का ग्रैड एमएलआरएस से यूक्रेन पर भीषण हमला, डोनेस्क में बरसाए ताबड़तोड़ रॉकेट। डोनेस्क में रूस का T-80 टैंकों से विस्फोटक हमला, हमले में यूक्रेन आर्टिलरी और बख्तरबंद वाहन तबाह। रूसी तोपों के प्रहार से दहला पूर्वी यूक्रेन, हमले में यूक्रेनी सेना के कई सैन्य पोस्ट तबाह हुए। पूर्वी डोनेस में भीषण जंग के बीच रूसी रक्षा मंत्रालय का दावा, कहा अमेरिका के एक और अब्राम्स टैंक को किया तबाह। अवदीवका में यूक्रेन का चौतरफा अटैक, यूक्रेन ने रूस के 2 T-72 टैंकों को घेरकर ग्रेनेड से उड़ाया। गाजा के अलशफा में इजरायली सेना का बड़ा हमला, गाइडेड बॉम्ब से हमले में हमास का कमांड सेंटर तबाह।
और अब वक्त है वीडियो ब्रेकिंग का। पहली खबर, पहली तस्वीर उत्तराखंड से है आपके सामने। हरिद्वार में दबंगों ने अस्पताल में घुसकर मचाया हुड़दंग। अस्पताल में घुसकर डॉक्टर को लाठी डंडे से पीटा, मोबाइल उपकरण तोड़े। सीसीटीवी में घटना कैद। दूसरी वीडियो ब्रेकिंग आपके सामने छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में लगी भीषण आग। केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल की कई गाड़ियां। इलाके में अफरा तफरी का माहौल। तीसरी वीडियो ब्रेकिंग कंबोडिया से। कंबोडिया में ट्रेन से टकराई बस। कैमरे पर ट्रेन बस हादसे की तस्वीरें। बस में सवार 45 यात्री हुए घायल, ड्राइवर फरार। चौथी वीडियो ब्रेकिंग रूस की राजधानी मॉस्को में ट्रक में विस्फोट। भीषण धमाके के बाद धू कर जला ट्रक। ट्रक में लगी आग से 5 कारें भी चपेट। और अब पांचवी वीडियो ब्रेकिंग। थाईलैंड में हजारों बंदरों ने मचा कोराम। थाईलैंड के लोपबुरी शहर में बंदर पकड़ने का अभियान। बंदरों की वजह से पर्यटक और स्थानीय लोग त्रस्त। और छठी वीडियो ब्रेकिंग म्यूनिसिपल इलेक्शन के जश्न के दौरान हादसा। तुर्की में विपक्षी पार्टी के डिप्टी हेड की मौत हो गई। जश्न के दौरान मंच टूटने से गिरने पर मौत। हादसे में 8 और लोग घायल, सभी का इलाज चल रहा है। सातवीं वीडियो ब्रेकिंग सैन फ्रांसिस्को में एक कार में लगी भीषण आग। गूगल की वेमो ऑटोनॉमस कार में लगी आग। शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी आग। आग की वजह से चंद सेकंड में कार था। आठवीं वीडियो ब्रेकिंग इटली के वेल कैमोनिका में बाढ़ के हालात। पूरे इलाके में भारी बारिश के बाद मचा हाहाकार। 150 हेलीकॉप्टर से की जा रही है निगरानी। यूएस इंटेलिजेंस एजेंसी के दफ्तर में घुसपैठ की कोशिश हुई। एफबीआई ने घुसपैठ को नाकाम किया। आरोपी ने गेट में मारी जोरदार टक्कर, एक शख्स गिरफ्तार। दसवीं वीडियो ब्रेकिंग है मेक्सिको में फेस्टिवल पर एक दूसरे को मारते पीटते दिखे लोग। खास ड्रेस में एक दूसरे पर वार करते हैं स्थानीय लोग। मेक्सिको में मान्यता है कि इस पर्व में शरीर पर आई चोटों से पाप मिटते हैं। 11वीं वीडियो ब्रेकिंग दक्षिण गाजा में आईडीएफ का खतरनाक ऑपरेशन। आईडीएफ ने स्कूल बिल्डिंग को आईडी से तबाह किया। हमास ने स्कूल को बनाया था कमांड सेंटर। बारहवीं वीडियो ब्रेकिंग रूसी फौज ने यूक्रेन में सामरिक तौर पर अहम पुल को किया ध्वस्त। यूक्रेन की सप्लाई लेन लाइन को तोड़ने के लिए पुल ध्वस्त। तेरहवीं वीडियो ब्रेकिंग दमिश्क में ईरान के दूतावास पर हमला। अंदर मौजूद सभी लोगों की मौत, कई घायल।
तो दमिश्क के दूतावास पर यह हमला हुआ है और यहां पर कई लोगों की मौत हुई है। इसराइल को इस हमले के लिए जिम्मेदार ठहराया जा रहा है सीरिया और ईरान की तरफ से। 14वीं वीडियो ब्रेकिंग, सेंट्रल गाजा में इसराइल का भीषण हमला, अल अक्सा अस्पताल के नजदीक बमबारी, धमाके के बाद जान बचाकर भागते दिखे लोग। और 15वीं वीडियो ब्रेकिंग, गाजा पर इजराइल के ताबड़तोड़ हमले, राफा अस्पताल में किए ताजा हमले, हमले में 6 लोगों की मौत, दर्जनों घायल। रूस के एटमी क्षमता वाले SU-34 बॉम्बर्स ने स्ट्राइक किए यूक्रेन के ठिकानों पर। Fab-500 अनगाइडेड हवाई बॉम्ब दागे गए। रूसी बमबारी से यूक्रेन के सैन्य ठिकाने धुआं धुआं। सैकड़ों प्रदर्शनकारी तेहरान में जुटे, इजरायली दूतावास के पास जुटे प्रदर्शनकारी। सीरिया के हमले में 2 ईरानी जनरलों और 5 अधिकारियों की मौत हो गई। सीरिया में घातक इजरायली हमले को लेकर जुटे प्रदर्शनकारी। बड़ी खबर, दूतावास अटैक पर ईरान में भड़के कट्टरपंथी। तेहरान में जिहादी ग्रुप ने बदला लेने की मांग की है। कट्टरपंथी प्रदर्शनकारियों ने तेहरान में इसराइल के खिलाफ नारेबाजी की। जर्मनी में गांजा रखने की इजाजत मिलने पर जश्न मनाया है। बर्लिन के ब्रांडेनबर्ग गेट पर लोगों ने जमकर जश्न मनाया। और 20वीं वीडियो ब्रेकिंग है, कश्मीर घाटी में IEF का एक और हाईटेक नजारा। जम्मू कश्मीर में इमरजेंसी लैंडिंग का ट्रायल रन। जम्मू कश्मीर में पहली लैंडिंग स्ट्रिप की टेस्टिंग हुई।